श्री मनोहर लाल पंचकुला दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पंचकुला के सेक्टर 1 खड़क मंगोली में सभी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के पुनर्वास के लिए मरला फ्लैट बनाने वाली जगह का निरीक्षण किया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और प्रशासनिक अधिकारी भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें, पंचकुला की राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी और खड़क मंगोली के करीब 7500 लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। उनके पुनर्वास के लिए ही काम किया जा रहा है। इसका निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि पास में ही घग्गर नदी भी है और घग्गर नदी को देखते हुए इसका काम किया जाएगा। साथ ही सीएम ने बताया कि 59 एकड़ जमीन में पुनर्वास के तहत फ्लैट बनाए जाएंगे। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इसको बनाया जाएगा। कई विभागों के साथ बैठक करने के बाद इस जमीन को क्लियर करने के बाद ही काम शुरू किया जाएगा। साथ ही पुनर्वास स्कीम के तहत कुछ रुपए सरकार लाएगी तो कुछ रुपए फ्लैट लेने वालों को देने होंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि घग्गर नदी को सुरक्षित करते हुए इसका काम कैसे कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही पुनर्वास के तहत हर शहर की अपनी अपनी प्लानिंग बनेगी। वहीं कितनी जगह उपलब्ध है और किस शहर में किस टाइप के लोग रहते हैं। मुख्यमंत्री इससे पहले चंडीगढ़ के पुनर्वास के तहत धनास और मलोया में बनाए गए फ्लैट्स का भी निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां पर स्थानीय लोगों से और प्रशासनिक अधिकारियों से बात भी की। उन्होंने कहा कि कई मॉडल के तहत ये फ्लैट लोगों को दिए जाएंगे। वहीं इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के आगामी बजट पर बयान दिया। साथ ही किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई चौथे दौर की बैठक पर भी अपनी बात रखी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर भी बोले, सुनिए जरा। जितना आपने सुना उतना ही मैंने सुना, क्योंकि उस मीटिंग में मैं तो स्वयं उपस्थित नहीं था, लेकिन अच्छा है किसी एक बात के ऊपर अगर सहमति बनती है और एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। अभी तो 2 दिन का समय लिया है। किसानों ने भी, उनके संगठनों ने भी कहा कि इस नए विचार के ऊपर हमको सोचने का समय दिया जाए। सरकार ने भी जो भी उसके जितने भी फॉलआउट है उस सबको विचार करना होगा, ताकि कोई ना कोई रास्ता निकल करके किसान भी संतुष्ट हों और सरकार के ऊपर भी वो न पड़े। यानी एक विन विन सिचुएशन कैसे बन सकती है उसका विचार करके फाइनल किया। और अंत्योदय की बात करते हैं, लोकहित की बात करते हैं, निश्चित रूप से इस बजट में उसकी झलक मिलेगी। फाइनली जब पेश हो जाएगा तब बात करेंगे। देखिए, क्योंकि चुनाव से पूर्व की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, तो मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव उसी पर फोकस था। नीचे से नीचे की इकाई पर कैसे तैयारी की जाए, बूथ के ऊपर तैयारी, हमारी तैयारी वैसे तो सब पार्टियों से सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक रेगुलर एक रूटीन भी है और वैसे भी लगातार इन चीज़ों को संभालते रहना चाहिए। हम हर बूथ पर, बूथ से आगे पन्ना प्रमुख तक जा चुके हैं, लेकिन ये जो समय तैयारी का है इसमें सब लोग उत्साहपूर्वक लगे हैं। और जो हमारा टारगेट है, बीजेपी 370 पार और NDA 400 पार, इस टारगेट को लेकर के चले हैं और निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार एक्टिव मोड में हैं और लोक हित के कामों को पूरा करने में दिन रात जुटे हैं। सूर्य समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।